हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्नो सुमेज। आज हमारे पास आ चुका है HP का 245G7 लैपटॉप। करेंगे इसके अनबॉक्सिंग और दिखाएंगे आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशन और ये भी बताएंगे आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। करते हैं सबसे पहले इसकी सील ब्रेक और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अभी निकालते हैं इसको, साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है। एक यूज़र गाइड मिल जाती है जो हमारे कुछ काम की नहीं है। तो रखते हैं इसे भी साइड में और इसमें हमें एक चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अभी रखता हूँ मैं बॉक्स साइड में। वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चार्जर देखते हैं। तो ये हमें 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो रखते हैं इसको साइड में, देखते हैं हम हमारे लैपटॉप को। ज़्यादा हैवी नहीं है, ऐसे आप इसको आराम से लेके कहीं भी जा सकते हैं। इसका वेट 1.5 kg है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और सामने आपको HP की ब्रांडिंग दिख जाती है। काफ़ी स्लिम भी है। तो चलिए मैं आपको इसके बताता हूँ उस फिज़िकल पोर्ट्स और बटन के बारे में। अगर मैं बात करूँ इसके लेफ्ट साइड में आपको एक HDMI पोर्ट, टाइप सी और 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। अगर राइट साइड देखें तो आपको इसमें 2 USB पोर्ट, एक चार्जिंग पॉइंट और मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। चलिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो सामने आपको 14 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ऊपर आपको 2 MP का वेबकैम देखने को भी मिल जाता है। तो उसके साथ में आपको एक LED लाइट मिल जाती है। अब कीपैड में देखें तो काफ़ी अच्छा कीपैड है इसका और आपको टच पैड भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका आप देखेंगे तो। चलिए मैं इसे सेटअप करके आपको सारे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। अगर अब मैं बात करूँ इसके स्पेसिफिकेशन की तो आपको इसमें AMD Ryzen 5 का प्रोसेसर मिल जाता है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर रैम की बात करूँ तो आपको इसमें 8 GB की रैम मिल जाती है और 1 TB की SSD भी मिल जाती है। मुझे इसमें एक काफ़ी अच्छी बात लगी जो कि आप इसमें कभी भी फ्यूचर में अगर आपको रैम एक्सटेंड करनी हो तो आप 16 GB तक कर सकते हैं। आपको इसमें विंडो 10 होम मिल जाती है और इसमें आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी इसमें विंडो 11 का भी अपडेट मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आप अच्छे से गेमिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको AMD Ryzen 5 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो चलिए बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया की। तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट है। तो एक बार मैं आपको इसके वॉइस सुना देता हूँ। आपको इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब ये पूरे 100 पे काफ़ी ब्राइट है। अगर आप जितना कम रखेंगे तो आपकी बैटरी उतना ही चलेगी, पर मुझे इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये कम से कम 10 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है। अगर आप कोई हैवी गेम खेलते हैं या हैवी टास्क करते हैं तो कम से कम ये आपको 5 आवर्स का बैटरी बैकअप तो देगा ही देगा। और दूसरी बात, आपको इसके साथ 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो अब अगर मैं बात करूँ इसके परफॉर्मेंस की तो मैंने इसके अंदर COD 2 घंटे तक खेली। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे थे इसके अंदर, बट मेरे को बस थोड़े बहुत इसमें लैग्स देखने को मिले थे। ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्मूथ था। गाइज़ ये था पूरा लैपटॉप का ओवरव्यू। मैंने आपको इस लैपटॉप के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपका बजट 40K के नीचे है तो आप ज़रूर इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।